हेलो नमस्कार ब्रह्म कुमार चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लिखा, अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश से, उनसे मिले और मांग की है कि अतिथि शिक्षकों को पदस्थायी किया जाए। जो 2 तारीख को घोषणा की गई थी वो जल्द से जल्द लागू की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी मांग है को पूरा किया जाएगा। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षक सामान्य समिति के पदाधिकारी डिप्टी सीएम से मिले। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक सामान्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार ने प्रतिनिधि मंडल के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से बधाई दी और आग्रह किया है कि शीघ्र ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित कर अनेक सौगातें दी थी। विभागीय परीक्षा आरक्षण बोनस अंक सहित सभी आदेश जारी किए जाएंगे। डीपीआई संचालक डीएस कुशवाहा से हुई सार्थक चर्चा। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी केसी पवार, संतोष कार, दुर्गेश चौधरी सहित प्रतिनिधि मंडल के साथ लोक शिक्षण संचालन के श्री डीएस कुशवाहा से मिलकर अतिथि शिक्षकों ने वर्तमान समस्याओं के समाधान पर चर्चा की और पवार ने बताया कि संचालक श्री कुशवाहा ने सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया और संगठन ने सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित करने, लंबित मानदेय का भुगतान करवाने, पोर्टल पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों के नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अतिथि शिक्षक मिले मुख्यमंत्री से और डीपीआई के अधिकारी से, अपनी समस्या बताई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग का जल्द ही निराकरण किया जाएगा।